आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, अपनी पीसी पे काम करते हैं, तो आप थक जाते होंगे। तो उस थकान से बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, लोगों को लगता है कि यार हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे तो बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, तो हमें थकान नहीं होती है। जबकि जनरली हम काफ़ी स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं यदि हम 5-6-7-8 घंटे लगातार बैठ गए तो उस थकान से बचने के रास्ते हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर पर जब आप काम कर रहे हो, अपने पीसी पे जब आप काम कर रहे हो, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार आप अनावश्यक काम नहीं करें कि चलो ठीक है बैठ गए तो यार कंप्यूटर में बैठे हैं, आधे आधे घंटे पर उठकर थोड़ा चल लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि एक जगह जब बैठे रहते तो आपके शरीर में जो अकड़न आती है वो खत्म हो जाएगी और आपकी आंखों को आराम मिल जाएगा। इससे शरीर की जो अकड़न है वो खत्म हो जाती है और आंखों को आराम मिलता है, ऊपर से हमारे कमर और टांगों को भी आराम पहुंचता है। तो थोड़ा सा उठ लीजिए, घूम फिर लीजिए 1-2 मिनट, उसका फिर वापस बैठ जाइए। कंप्यूटर पर काम करते हुए अगर बीच बीच में लगातार आप पानी पीते रहें तो दिमाग, शरीर और हमारी आंखों को ताजगी मिलती है। अब जो लोग एयर कंडीशनर लगाकर बंद कमरे में काम करते हैं, ये बात उन पर भी लागू होती है। कंप्यूटर पर जब हम काम करते हैं तो जैसे आपका कीबोर्ड हो गया या फिर आपका माउस हो गया, तो इन सब चीजों को आप अपने पहुंच के दायरे में रखिए ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें। उसके लिए कोई झुकना पड़े या पीछे जाना पड़े, इस तरह के जो बॉडी पोस्चर्स वो नहीं हो। तो जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी पहुंच के अंदर हो, जिससे आपको बार बार उठना नहीं पड़े। इससे आप कमर के दर्द से तो बचेंगे ही और साथ में आप अपने समय को बचा पाएंगे। अभी जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो मैंने एंटी ग्लेयर चश्मा पहने हुए हैं। अब भले ही एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा रखा हो, स्क्रीन भी एंटी ग्लेयर आता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन से आंखें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको हटाते रहना चाहिए। कभी आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, कभी इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो इससे आंखों पर कम जोर पड़ेगा। यदि आप लगातार देखते रहेंगे ना कंप्यूटर पे, तो आपकी आंखों में एक सूखापन आ जाएगा और वहां पे आपको खुजली होनी शुरू हो जाएगी। तो आंखों में सूखापन, लालपन, दर्द और जो जलन जैसी समस्या कम होगी। तो आप कॉन्स्टेंटली आप कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देखते मत रहिए। आंखों को आराम देने के लिए आप ठंडे पानी से आप धो लिया कीजिए। दिन में जैसे आप 8 घंटे यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले काम है, तो आपके कम से कम 2-3 बार तो आंख में पानी मार लो। आंखों की थकान को कम करने के लिए आप अपने मुंह को पानी से धो सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर पानी ठंडा हो तो ये और भी अच्छी बात है, शीतल जल जो है वो आपको और ज्यादा फ्रेश कर देगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाने से आंखों की थकान कम होती है, आंखों को ताजगी देने वाली नमी बनी रहती है। इससे क्या होता है कि जो आपकी आंखें वो लाल नहीं होगी और ना ही उनमें जलन होती है। जितनी दूरी पर आपके कंप्यूटर का मॉनिटर है उतनी ही दूरी पर आपका माउस भी होना चाहिए। एक ही आप हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर पर काम करते समय आपको झुकना नहीं है। आप झुकोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंड्रोम जरूर होगा। कंप्यूटर पर काम करते हुए फोन पर बात करते हुए ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है, लोग यहां से यू फोन लगा लेते हैं और फिर काम भी करते रहते हैं, ये वाली जो बॉडी पोस्चर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लोग फोन के कंधे और गर्दन के बीच दबाकर बात करते हैं, इससे बाद में उनको पीठ में दर्द की समस्या होती है। तो इस बात का ख्याल रखिए, यदि इंपॉर्टेंट है बात करना तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर काम करते हैं आप तो शरीर की जो नमी है वो कम होने लगती है, इसलिए दिन में कम से कम 8-12 ग्लास पानी अवश्य पिएं।
ऐसा करने से आप हमेशा रिफ्रेश महसूस करेंगे, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है। आप जब भी कंप्यूटर पर काम करें तो शरीर को आप बिल्कुल रिलैक्स रहने दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आपका जो मन है वो शांत रहना चाहिए। और कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, कंप्यूटर का मॉनिटर आपकी आंखों से कम 20 से 25 इंच की दूरी पर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मॉनिटर जो है वो भी 5 से कम 15 इंच का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 5 से कम तो कतई नहीं होना चाहिए, उससे आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा। क्योंकि मेन जो हमारा जो हम कंप्यूटर बैठते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हमारे आंखों पर ही आता है। अब हमारी जो कोहनी है, कोहनी को आप 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कीजिए। जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो पोजिशन है हाथों का वो 90 डिग्री का हो, तो इस स्थिति में आपको आराम ज्यादा मिलेगा, शरीर में तनाव और थकान दोनों ही कम होगी, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। गर्दन में होने वाले दर्द से बचने के लिए कंप्यूटर के मॉनिटर और कीबोर्ड को गर्दन की एकदम सीधी दिशा में रखें। कुर्सी पर बैठे बैठे फोन को कंधे और गर्दन से दबाकर बात बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। बेहतर होगा कि आप कीबोर्ड को थोड़ी सी ढलान पे रखें, तो ऐसा करने से ज्यादा देर तक टाइपिंग करने के बाद भी उंगलियों और हथेलियों में दर्द का जो एहसास है वो नहीं होता है। कुर्सी पर कमर, पीठ और हाथों को सहारा देकर बैठना चाहिए। जब आप बैठें तो आप आराम से बैठिए, सहारा देकर बैठिए। कुर्सी का एर्गोनॉमिक जो डिजाइन होता है आप उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।